कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया हॉस्पिटल में। हुआ क्या है? वो पेशेंट जिसे सीरियस कंडीशन में लाए थे कुछ लोग हैदराबाद से, उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें तो कल रात इसे घर वालों को बता दिया था कि उसकी हालत स्टेबल नहीं है। यही तो हमारी आवाम समझती नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। मैं देखती हूँ जाकर। तारा मत चोर चो। अरे दो कहीं हमारे किसी स्टाफ को नुकसान न पहुंचा देंगे। हाँ करूँ मैं? मैंने खुदा खौफी में मदद की है उसकी। हाँ मेरे मामले में कभी ऐसी खुदा खौफी नहीं आई। यार आशु तुम ही समझाओ अपनी माँ को। मैं क्या समझाऊँ, मेरी खुद की बीवी नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी। लो धक्के कहाँ खाने हैं उसने, अपनी किसी दोस्त के घर बैठी होगी, वीडियोस बना रही होगी। ट्रैश करने की कोई वजह भी तो होती है ना। चलो तारा बेटे हम भी घर चलते। हाँ चलो घर चले। ओ भाई जान नहीं, तारा बोला है बाबू भैया ने। तो क्या मतलब है बच्चू, मैं अपने घर नहीं जा सकता क्या? नहीं तुम नहीं जा सकते। भाजन आप मुझे मेरे ही घर जाने से कैसे रोक सकते हैं? इस मुंह से रोक सकता हो? सुन लिया भाई, अब अपना मुंह गुम करो। मैं तो जाऊंगा अपने घर, वो घर सिर्फ आपका थोड़ी है, तो मेरी माँ का भी घर था। ठीक है पैसे आपने कमाए थे, कमेटी तो मेरी माँ ने डाली थी ना, एक एक पैसा जोड़ा था। आप चाहे तो पूरे खानदान से पूछ ले घर किसने बनाया है। मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। अगर ये अपनी पसंद की शादी कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकती? अभी सुन लिया बाबू भैया, ये तो लड़का है ना। चाची क्या लड़कियों की कोई फीलिंग्स नहीं होती है? कि हमारे माशरे में डबल स्टैंडर्ड क्यों है लड़के और लड़की को लेकर? अरे बात स्टैंडर्ड की नहीं है, मतलब कोई ढंग का लड़का तो पसंद करती। अति पूछो इस नालायक से कि क्या क्राइटेरिया है ढंग के लड़के का इसके सेहत में? बताओ भाई क्या क्राइटेरिया है ढंग के लड़के का? कम से कम वो बेवा तो ना हो ना। बेवा नहीं रंडवा कहते हैं यार। अरे भाई एक बच्ची का बाप है वो। अति बता दो इसको कि इसका बाप भी बेवा है रंडवा। तुम इनके रूम में छुपे हुए थे, तुमने बताया क्यों नहीं? हम पागल हो गए ढूंढने तुम्हें। भाई मुझे तो परसों ही पता था। परसों से इस घर पे छुपी हुई है, किसी को पता ही नहीं है? नहीं अंकल, अब्बा को पता था। अब्बा? नहीं नवेले अब्बा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मना किया था बच्ची ने तुम्हें शादी के लिए, एक शादीशुदा आदमी जो कि एक बच्ची का बाप भी है वो मिला है क्या? भाई अब आप बहुत गलत बात कर रहे। उसने नहीं बल्कि मैंने उससे प्रपोज किया। प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे ये मत कहना कि चार दिन में तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई। बात मोहब्बत की नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग की है भाई। माला अंडरस्टैंडिंग ही होना चाहिए, वरना मोहब्बत के नाम पे कुछ लोग ऐसा चूना लगाते हैं ना कि सारी जिंदगी पे तड़पते ही रहो। तुम वही कर रही हो जो तुम्हारी मम्मा ने किया था। और तुम भी वही कर रहे हो जो पापा ने किया था। तुम्हें मैं कैसे समझ? अरे मम्मा आपने बताया क्यों नहीं हमें कि आप आ गई हैं? अगर मैं बता देती तो सरप्राइज तो ना रहता ना। पूरी फौजें लेके उतरी आपकी बेटी मैदान जंग में मेरे खिलाफ। तुम अपने खैमे को तो मजबूती से बांध लेते फिर उतरते मैदान जंग में। अब मैं करूँ क्या? वो तो बरोबर पानी नहीं फिरने दे रही है। फिर जो कहती है वो मान जाओ। क्या बात कर रही मम्मा, मुझे आसमान पे चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींचनी है। बस बेटा इस ट्रिप ने ना मेरी सोच का जाविया बदल दिया। मम्मा आपने तो मेरे करियर का नक्शा बदल दिया है। इतनी मुश्किलों से मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिली है, आप कह रही मैं बैक फुट पर चला जाऊँ। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें मनपसंद जॉब चाहिए या फिर मनपसंद बीवी। ये क्या फिल्म चला रखी तूने उस लड़की के साथ? कौन सी फिल्म? कभी हाँ कभी ना। यार मैंने तुझे ताने देने के लिए नहीं बुलाया इस्लामाबाद से। तूने मुझे नहीं बुलाया, मेरी कंपनी ने मुझे बुलाया है मीटिंग के लिए। मगर मेरी बदकिस्मती देख कि तेरा डिप्रेस चेहरा देखने चला आया यहाँ पे मैं। पूरी दुनिया में एक तू ही तो बेस्ट फ्रेंड है मेरा, और पूरे पाकिस्तान में तू ही एक इडियट है अपने नाम का। क्यों क्या किया मैंने? जब उस लड़की ने तुझे खुद प्रपोज किया तो तूने नई फिल्म चला रखी कि सोच ले सोच ले सोच ले।
टफर अगर उसने खुद सोच लिया ना, तुझे किक आउट कर देगी अपनी जिंदगी से। हाँ यार, कह तो ठीक रहे हो, मुझे अपने आप ही स्टूपिड लग रहा है। तू कंफर्म गधा है, लिख के ले ले। ये सब छोड़, ये बता कि करूँ तो क्या करूँ अब। तू उससे साफ साफ बात कर, अपने घर वालों से बात कर और इस मामले को सिरे लगा। ऐसा ना हो किसी और हीरो की एंट्री हो जाए उसकी लाइफ में। कैसी बातें कर रहा है यार, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे और मुझे पूरा यकीन है वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। जिस तरह की तेरी कंफ्यूज हरकत है ना, नफरत ही ना हो जाए उस लड़की को। अभी तो ना मुझे तुमसे नफरत हो रही है, मुझे तसल्ली देने के बजाय और डरा रहे हो। अबे गधे, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। तू एक लकी आदमी है जिसे एक सेंसिबल लड़की ने खुद प्रपोज किया है। इससे पहले कि वो अपने दिमाग से सोचना शुरू करे और तुझे रिजेक्ट करे, तू जा और बात कर उससे। हाँ यार, ठीक कह रहे हो, मैं जाके बात करता हूँ। चल आ जा, चाय पिला दो। अबे चाय छोड़ी नहीं तूने अभी तक? नहीं भाई, नशे ही बन गई अब तो। पापा, अरे मेरी मेरी जान, मेरी नैन तारा, मेरी जिंदगी, कैसी हो? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट। तुम इतनी पतली हो गई यार। पापा पहले तो आप यहाँ बैठे। आपको पता है मामा और सारे ने बहुत ज्यादा किए मेरे साथ। तुम्हारी बात 100% ठीक है, लेकिन बेटा। लेकिन क्या? देखो, हर बॉल को जो है ना वो छक्के और चौके नहीं मारने चाहिए, टुक टुक करके खेलना चाहिए, टुक टुक करके। अब ये टुक टुक क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखो, जब बॉल आ रही है ना बल्ले पे, तो हल्का सा टच करो, वो राइट पे चली जाएगी, कभी लेफ्ट पे चली जाएगी, ठीक है? हर चीज को दिल पे नहीं लेते, इग्नोर करते। पेशेंस बेटा, पेशेंस। पापा मैंने किसको बाउंड्री लाइन दिखाई है? देखो बेटा, अंकल ये मम्मा का सॉफ्टवेयर कहाँ से अपडेट कराया आपने? अरे हीरो, हैरान कर दिया ना मेरी स्वीट हार्ट ने। अरे ऐसा यू टर्न लिया कि यू टर्न भी शर्मिंदा हो गया होगा अब तो। अरे बेटा, हम दोनों मियां बीवी ऐसा सालसा करते हैं कि तुम्हारा पूरा खानदान देखता रह जाएगा। बेटा ये मोहब्बत का जादू है, मोहब्बत का तुम भी सीख लो। अरे अंकल ऐसे जादू का क्या करना है कि जिंदगी के 20-25 साल ही जाया हो जाए इसमें। इसीलिए तो चाहती हूँ तुम लोग जाया मत करो जिंदगी के इतने कीमती साल, और सबक सीखो हमारी गलतियों से। मम्मा ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब आप जिंदगी के सारे बड़े गोल्स अचीव कर चुके हो। एक गोल तो तुम भी अचीव कर चुके हो, मेरी बेटी से शादी करके। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी ना, जो पूरी हो गई तो फिर खुश रखो ना इसे। चले, शुरू हो गया सास और दामाद का एक नया ड्रामा। देखिए मैं अब किसी की बातों में नहीं आने वाली। अरे जाने मन, उसको अब एतवार इतनी आसानी से नहीं आएगा। सारे मियां जाओ, तुम भी अपना जिगर आजमाओ, और सुनो, हिम्मत ना हारना मेरी तरह। अरे भाई क्यों डरा रहे हैं बच्चे को? रजी, तुम्हें अच्छी तरह याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था? मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने पर्पल कलर का जोड़ा पहना हुआ था, और तुम ऐसे ही शर्मा रहती है ना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कौन सी फिल्म शुरू हो गई यहाँ पे? मच्छू याद आ गए मुझे तो। और इस फिल्म का नाम है हम तुम। यस, हम तुम। जी मैं चलता हूँ। यार रजी, अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। आमीन। क्या कह रही थी तुम नीचे कि मैं और मम्मा ड्रामा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि इस तरह इंकलाब आ गया रातों रात, जिसने मामा की सोच का जाविया ही बदल दिया है। पता है जाफर, जब ओटी में लेकर गए थे ना तुम्हें, बस वही लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। राजी सच पूछो तो, ऑपरेशन थिएटर जाकर मुझे भी एहसास हुआ कि मैं ही मान लेता तुम्हारी बात तो इतने साल तनाई का अजाब नहीं झेलना पड़ता। दुआ करो कि अब ये चांद और तारा सीखें हमारे तजुर्बे से। आमीन, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। चीटर है तुम्हारी मम्मा। सारिम खबरदार, मेरी मामा को चीटर मत बुलाना। चीटिंग तुमने की है मेरे साथ। उन्होंने उकसाया था मुझे ये सब करने पर। तुम कोई बच्चे तो नहीं थे?
तो मुझे एतमाद में ले सकते थे, हम कोई और सलूशन निकाल लेते। क्या खाक सलूशन निकाल लेते यार, मुझे पता था कि तुम उनकी बेटी होने की तरह जिद्दी। तुमने ही मुझसे कहा था मेरी मामा को मना लो तो कर लूंगी शादी। तो तुमने उस बात का ये सलूशन निकाला कि तुमने मेरे साथ गलत बयानी की और अभी तक हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हो। ठीक है बस निकल गया सलूशन। जिंदगी में जो तुम्हारा दिल चाहे अब तुम वो करना, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूँ। क्या मतलब है इस बात का? मुझे समझ आ गई है तारा, तुम भी डॉक्टर राजिया की तरह ही उन्हीं की तरह जिद्दी हो। तुम वही करोगी मेरे साथ जो उन्होंने अपने शौहर के साथ किया था। तुम टूट जाओगी लेकिन झुकोगी नहीं। तुम भी तो गुलजार अहमद के बेटे हो ना, तुमने तो उनसे कुछ नहीं सीखा, ना ही उनकी अपने खानदान से की जाने वाली मोहब्बत, ना ही उनकी अपनी बीवी से की जाने वाली वफा और ना ही अपनी औलाद के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां। काश कि तुम कुछ तो सीख लेते। डिग्री की कल्टी मार कैसे लेते हैं? I'm sorry माला, मैं अपने साथ आपको भी कंफ्यूज कर देता हूँ। Come to the point, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी चाची से बात करें ताकि मेरी कंफ्यूजन तो खत्म हो। लेकिन मोहित, frankly speaking, चाची से इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। तो फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, दोनों बुर्ज खलीफा से छलांग मारने की धमकी देंगे और फिर वो मान जाएंगी। लेकिन बुर्ज खलीफा तो दुबई में है। दुबई में, मरीख में तो नहीं है ना, जा तो सकते है ना। माला, I'm serious. मैं भी सीरियस हूँ मोहित। अच्छा मैं चाची से बात करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? बात करके मुझे जरूर बताएगा। ऑफ कोर्स। ओके बाय। बाय। ओ माला, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं उस मास्टर में। मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसा प्रोजेक्ट है, जॉब लगी उसकी, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा मास्टर ही रहेगा वो। तो चची तो बहुत अच्छी बात है, जिस इंसान ने आपके बच्चों को एक लफ्ज भी सिखाया हो वो तो आपको उस्ताद ही होता है ना। और वैसे भी चची, उससे तो आपके बच्चों के रिजल्ट्स बदल दिए। सुनो, अब बात बदलने की कोशिश मत करो, मैंने कह दिया है वो लड़का बिल्कुल ही पसंद मुझे तुम्हारे लिए। चची पर मुझे पसंद है और मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। उसकी बच्ची को तुम संभालोगी माला? क्यों, आप दोनों ने मुझे और चांद भैया को नहीं संभाला? लोग क्या कहेंगे माला, वो तो यही समझेंगे ना एक बिन माँ की बच्ची को उठा के चचियों ने एक बच्चे की बाप से शादी करा दी। चाची लोग तो किसी से भी खुश नहीं होते ना, तो हमसे क्या खाक होंगे? अभी लोग क्या सोचेंगे वाली स्कूल ऑफ थॉट ना दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए। हम क्यों जी अपनी जिंदगी लोगों के मुताबिक? अरे चांद मियां, तुम्हारे स्टाइल से तो लग रहा है कोई नया चांद चढ़ाकर आ रहे हो। हाँ चढ़ा है वो चांद, और खबरदार इस घर में तारा के हवाले से मुझसे किसी ने कोई भी बात की। किसको क्या हो गया? निसरा देखकर आ रही हूं। पक्की बात है तुम उससे शादी करनी है? चची हाँ, सीप खाएं यार, क्योंकि वो मत्ती जैसा नहीं है। चांद दरवाजा तो खोलो। क्या हो गया भाई, क्या मसला है? लगता है तारा से खफा होकर आया है। अच्छा तो ठीक है, उसको थोड़ा सुकून करने दो, चलो आओ इधर। लेकिन सलीम, वो अकेला तो परेशान हो जाएगा ना। देखो सफीरा, बाज़ दफ़ा खामोशी और तन्हाई इंसान को कुछ ऐसी चीजें रियलाइज करवाती हैं जो बहुत से लोग मिलकर नहीं करवा सकते, ठीक है? उसको अपने साथ थोड़ा टाइम गुजारने दो। लेकिन, अरे लेकिन छोड़ो भाई, अब जरा चीजें अपने चांद के एंगल से देखना शुरू कर दो। सोचो कि वो क्यों चिढ़ता है लोगों से, इस घर से, आखिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वो तो शुरू से ही ऐसा है। यही तो मसला है,
हम लोगों को बहुत पहले मिलकर इस मसले का हल निकाल लेना चाहिए था। हमने तो उसके खिलाफ एक मास खड़ा कर दिया। मेरे तो खुद सर में दर्द शुरू हो गए। इसीलिए मैंने आपको हजार दफा कहा है कि इतना मत स्ट्रेस लिया करें। आइए चलिए, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो पता नहीं माला की चची से क्या जवाब दिया होगा। हेलो माला, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, क्या आप 5 मिनट के लिए बाहर आ सकती हैं? क्या मेरे घर के बाहर हैं आप? मैं आ ही नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है मोहित। बस 5 मिनट के लिए प्लीज। क्या चाय ज्यादा पी लिए? दिमाग में खुश्की हो गई है, अभी आकर दूर करती हूँ। जीप बंद है, कॉलिंग अटेंड की तो घर तक ही चलाया। खैर वो तो मेरे दिल तक आ गया है, तो जाती हूँ। मामा क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? पहले भी तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर किया था और अब भी। आपकी मोहब्बत ने अजीब से दौराहे पर लाके खड़ा कर दिया हम दोनों को। है कहां? चला गया अपना सामान उठा के अपने घर। सॉरी बेटा। अब फायदा इसे सॉरी का मामा। हेलो। कोई गलती हो गई है मुझसे? आपने आज तक कुछ सही किया? हाँ, आपसे मोहब्बत और आपके प्रपोजल पे फौरन हाँ। वैसे बड़े ही सेल्फिश होते हैं मर्द लोग। मतलब इस दुनिया में कितनी लड़की होंगे ना जो हर मिनट लड़की को प्रपोज करते होंगे, लेकिन जहाँ लड़की ने प्रपोज कर दिया वहाँ कायनात ही थम गई। मतलब दुनिया में भौचाल ही आ गया ना। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी बदल चुकी है। इसलिए पूरी जिंदगी मेरे प्रपोज करने का ताना देंगे ना? By God, मैंने ताना नहीं दिया है। आपको तो अंदाजा ही नहीं है, एक आम इंसान को जमीन से उठा के आपने आसमान पे पहुंचा दिया। टेंशन मत ले, जमीन पे ले आएंगे मेरी चाचीज आपको। यही बात तो पूछना आया हूं मैं। चाचीज एक दो दिन में मिलना चाहती है आपसे, फिर ही कोई फाइनल डिसीजन होगा। और अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? तो फिर वेट कीजिएगा, शायद फिर से कोई मेरी जैसी सरफिरी लड़की आपको प्रपोज कर दे, क्योंकि आप में तो गट्स नहीं है। गट्स बहुत है, लेकिन मैं एक जेंटलमैन हूँ। तो फिर हाथ हटा ले जेंटलमैन, घर से बाहर कोई आ गया ना तो लग पता जाएगा आपको। सॉरी, मैंने तो आपको रोकने के लिए रखा था। अगर इस वक्त हम पकड़े गए ना तो इस दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को बचा नहीं सकेगी, इसलिए आप घर जाए, मनु अकेली हो। मनु के साथ हेल्पर है। वेल, आई एम सॉरी मैंने आपको तंग किया। मैं इतनी आसानी से तंग आने वाली हूँ नहीं वैसे, तो इसलिए आप घर जाएं, रिलैक्स करें, जब चार्जेस बुलाएंगी तो आ जाइएगा। ओके, टेक केयर, बाय। आप जा क्यों नहीं रहे? आप अंदर चली जाएं, रात का वक्त है, मैं आपको ऐसे छोड़ के जा नहीं सकता ना। ओके, बाय बाय। मुझे समझ आ गई है तारा, तुम भी डॉक्टर राजिया की तरह ही उन्हीं की तरह जिद्दी हो। तुम वही करोगी मेरे साथ जो उन्होंने अपने शौहर के साथ किया था। तुम टूट जाओगी लेकिन झुकोगी नहीं। तुम्हें ये कैसे भूल गया सारे? मैं अगर मामा की तरह होती तो तुम्हारे खानदान के साथ जुड़ने के बजाय
अपना एक अलग सिस्टम बनाने पर जोर देती। मेरा कसूर मेरी वो महरूमियां है जो मैं तुम्हारे रिश्तों से दूर करना चाहती थी, और यही मेरे लिए तुमने सजा बना दी। तो गुजार अहमद के बेटे हो ना, तुमने तो उनसे कुछ नहीं सीखा, ना ही उनकी अपने खानदान से की जाने वाली मोहब्बत, ना ही उनकी अपनी बीवी से की जाने वाली वफा, और ना ही अपनी औलाद के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां। काश कि तुम कुछ तो सीख लेते। I'm sorry, Baja. तुम नींद में तो नहीं हो? नींद से तो अब जागा हूं। काश आपने थप्पड़ पहले मार दिया होता। बेटा ये जिंदगी है, किसी फिल्म या ड्रामे की आखिरी एपिसोड नहीं है जिसमें थप्पड़ के बाद जमीर जाग जाए हीरो का। नहीं बाबूजान, बात फिल्म या ड्रामे की आखिरी किस्त की नहीं होती है, बात उसे एक लम्हे की होती है जो आपको सदियों की रियलाइजेशन दे जाती है। अच्छा, तो अब क्या रियलाइज कर लिया तुमने? तारा बिल्कुल ठीक कहती है बाबूजान, मैंने आपसे कुछ नहीं सीखा। बेटा तुम भी ठीक हो, अगर तुम्हारा दम घुटता है इस घर में तो वाकई घुटन होगी जो मुझे या किसी और को महसूस नहीं होती। नहीं बाबूजान, मैं जितने दिन तारा के घर पर रुका हूं ना, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो रिश्तों में और सबके साथ मिलजुल कर रहने में है। नहीं बेटा, जिंदगी की खूबसूरती दिल बड़ा करने में है, और जब इसके लिए जबरदस्ती अपना मन मारना पड़े ना तो वो खूबसूरती दिखाई नहीं देती। बाबूजान मैं तो बस थोड़ी सी स्पेस चाहता था, और मैं तुम्हें स्पेस देने की बजाय जबरदस्ती सबके साथ जोड़ने की कोशिश करता रहा, पर इस जोड़ने के चक्कर में खुद टूट गया। नहीं बाबूजान, मैं नहीं टूटने दूंगा आपको।
I'm sorry. मैं अनजाने में आपकी फीलिंग्स को हर्ट करता रहा। अरे नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे करना चाहिए। हम पुराने लोग हैं ना, हम माजी में जीते हैं। खानदानी रिवायात, फैमिली सिस्टम, पुराने रिश्तों को बहुत जरूरी समझते हैं और उसमें भूल जाते हैं कि भाई अब तो नया दौर है, उसके नए तकाजे हैं और हमें भी अपडेट करना चाहिए अपना सॉफ्टवेयर। अरे नहीं भावजान, आप तो हमेशा नए दौर के साथ चलते रहे। इसकी सबसे बड़ी मिसालें माला और हाशिर है ना। आपने हमेशा हमें हमारा करियर या हमारा लाइफ पार्टनर चुनने की आजादी दी है। अपना कोई फैसला हम पे इम्पोज नहीं किया। इन सब बातों के बावजूद मैं शायद एक अच्छा भाई और एक अच्छा बाप बनने में नाकाम रहा हूं। बैठ बैठ जाओ। तारा, तुम्हें पता है किस चीज ने मेरे और जाफर के दरमियान फासलों की खलीज हायल की? दोनों की अना और जिद ने। नहीं, मोहब्बत के जोम ने। मुझे लगता था कि जाफर मेरी खातिर सारी दुनिया छोड़ सकता है। और आप ये भूल गए कि उनकी सारी दुनिया उनकी माँ थी, जिनके पैरों के नीचे उनकी जन्नत थी। हाँ, और अब एहसास होता है मुझे कि जाफर ने बिल्कुल ठीक किया उस वक्त, वरना तो सारी जिंदगी वो इसी गिल्ट में रहता कि अपनी बीवी की खातिर माँ को छोड़ा है। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम्हें याद है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी से पहले क्या कहा था तुमसे? यही कि अगर किसी से अपनी बात मनवानी हो तो पहले उसकी बात माननी पड़ती है। तो मान लो उसकी बात और लिख लो मेरी बात। क्या? दो चार माह बाद वो खुद भाग कर आ जाएगा आयरलैंड से, क्योंकि मैंने देख लिया उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। अभी तो वक्ती तौर पर अपने रिश्तों और घर के शोर शराबे से उकताया हुआ है, वो वापस आ जाएगा बेटा। लेकिन मुझे किस बात की सजा है? पहले मैं अपनी ट्रेनिंग यहाँ से छोड़कर जाऊँ और फिर वहां से अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर आ जाऊँ? कहीं नहीं जाएगी तुम्हारी स्पेशलाइजेशन। अभी तुम अपने एग्जाम्स की तैयारी करो और मेरी एक बात याद रखो, ये वक्ती हिजरत सारी जिंदगी का सुकून देगी तुम्हें। वरना 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 हर दो चार महीने के बाद वो ऐसे ही हाथ पैर मारेगा यहाँ से भागने के लिए। एक बार देख लेने दो उसे बाहर की दुनिया। जितने लाड प्यार से रखा है ना उसकी चचियों ने, वो कहीं भी रह नहीं पाएगा उनके बगैर। अभी जिद मत लगाओ उसके साथ बेटा। भावजान, गलती मेरी है, मैंने आपका दिल दुखाया था। नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, कसूर हम सबका है। वो कैसे? तुम्हें सबके साथ जोड़ने के चक्कर में मैं भूल गया कि हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस भी होती है, जो उसका एक बुनियादी हक है। नहीं भावजान, लेकिन आपकी इंटेंशन तो गलत नहीं थी ना? लोग आपको आपकी नीयत से नहीं, आपके अमल से जज करते हैं। और इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है, सिस्टम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन हम खुद उसे मुश्किल बना लेते हैं। भाई अगर कोई अकेला रहना चाहता है तो उसको रहने दो, और अगर सबको साथ मिलकर रहना है तो हर एक को सांस लेने की खुली आजादी होनी चाहिए। हाँ भावजन, लेकिन आपने तो हमेशा सबको खुलकर जीने का हक दिया है। बाज मामलात में मैंने गलत फैसले नहीं किए। नाज को ब्यूटी पार्लर में जॉब नहीं करने दी और अपनी बेटी को तो नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए भेज दिया। शायद ही आपने गलत किया ना? किया ना। और रूमी और हाशिर को तो प्राइवेसी दे दी, लेकिन जब तुम्हारा और तारा का मामला आया तो मैं
अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। महोजन अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, नहीं, अगर तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है तो जरूर जाओ, और अगर तुम्हें इस घर के शोर शराबे से घबराहट होती है, वहशत होती है, तो तब भी ये तुम्हारा हक है कि तुम जिंदगी अपने मुताबिक जियो। I swear, भावजन, मैं सिर्फ अपने करियर के लिए जाना चाहता हूँ, वरना इतने दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि मैं आप सबके बिना तो कुछ भी नहीं हूँ। जरूर जाओ, मैं तुम्हारे साथ। दिल पर एक बोझ था, आज उतर गया। थैंक यू भावजन। भावजन और वो तारा? हाँ, उस पर अपना फैसला मुसल्लत ना करो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी गुलाम या रियाया नहीं है। अगर तुम इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो अपनी ख्वाहिशात का बोझ उस पर मत डालो। तो फिर मैं क्या करूं? कोई दरमियान की राह निकालो जिसमें दोनों की रजामंदी शामिल हो। विन विन। एनर्जी के साथ कैच करो ना यार। अरे यार, तुम्हारी वाली एनर्जी कहां से लाऊं मैं इस वक्त? यहां से। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अभी तो जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। देखो, अगर आपको वो चाय पीने वाली मशीन नहीं पसंद ना तो बता दो, इट्स नॉट अ बिग डील। तुम शादी नहीं करोगी फिर उससे क्या? ऑफ कोर्स, आप मेरे भाई हो, मेरे लिए बुरा तो नहीं सोचोगे ना? लेकिन तुम्हारी जिंदगी है, बुरा तो तुम भी नहीं सोचोगी अपने बारे में? बुरा नहीं है वो, ट्रस्ट मी। तुम्हें आगे अपना करियर बनाने देगा? हाँ, वादा तो किया उसने, मगर आपकी तरह मुकर गया तो मुकरे हुए बंदे का इंसान कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता ना। मैं कब मुकरा? भूल गए तारा भाभी से वादा किया था? क्या वादा किया था? यही कि उसकी प्रोफेशन की राह में रुकावट नहीं बनोगे। हाँ तो मैं रुकावट बना भी नहीं हूँ, मेरे करियर की राह में वो सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। उसे इस बात का अंदाजा है ना कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, इसलिए जिद पकड़ ली कि ट्रेनिंग यहीं करेगी। जिद करिए तो मान जाओ ना, सिंपल। अपनी लाइफ को आसान इंसान खुद बनाता है। अच्छा सोचूंगा यार, मुझे कब चाय पिला दो? आप भी ऑलरेडी चाय पीने वाली मशीन है, तुम भी शुरू हो गए हो। आज तो चांद भी तन्हा है आसमान पर। जमीन पर तो साथ छोड़ा ही था तारा, अब आसमान पर भी तन्हा कर दिया चांद को। मैं क्यों करूं उसको फॉलो? वो भी तो कर सकता है। मैं क्यों करूं उसको फॉलो? वो भी तो कर सकती है।
वो चला गया तो मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर। ट्रेनिंग तो कहीं भी हो सकती है। अभी सर्च करती हूँ। उसके बिना तनहा कैसे रहूंगा मां? अरे यार, भाड़ में गई नौकरी और भाड़ में गया करी। चांद और मैं।